नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले द फैक्ट इंडिया के दर्शकों को रंगों के त्योहार होली की राम राम, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हम आशा करते हैं कि ये होली का पर्व आपके लिए शुभ साबित हुआ होगा और आप अपने घर और परिवार के साथ सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, बात करते हैं आज उपचुनाव के सियासी रण की कि किस प्रकार से उपचुनाव का किला फतह करने के लिए भाजपा और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। लेकिन आज इस कड़ी में बात होगी जातीय समीकरण की कि किस प्रकार से जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करने के लिए जो भाजपा कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं वो कैसे जोर लगा रहे हैं और कैसे जातीय समीकरण तमाम राजनीतिक दलों को उलझा कर रखे हुए हैं। क्या है पूरा मामला, उसे विस्तार से समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उपचुनाव के सियासी रण में जीत का स्वाद चखने के लिए भाजपा और कांग्रेस के मुंह से लार अभी से टपकने लगी है, लेकिन उपचुनाव रूपी सियासी वैतरणी को पार कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सियासत में घुली जातवाद की चाशनी किसी का मुंह मीठा करेगी तो किसी का जायका बिगाड़ने को तैयार है। खैर, ऐसे जातीय गणित में कांग्रेस के समक्ष भी मुश्किलें कम नहीं हैं। दरअसल इसके पीछे का कारण है गुर्जर और जाट मतदाता। आपको बता दें, उपचुनाव वाली तीनों सीटों पर गुर्जर और जाट मतदाताओं का खासा दबदबा है। खास तौर पर राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में तो दोनों ही समुदाय निर्णायक भूमिका में हैं। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र जाट वोटरों की संख्या 22,053, गुर्जर वोटरों की संख्या 19,228, यानी कुल जाट और गुर्जर वोटरों की संख्या 41,228 है। अब आइए बात करते हैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जहां जाट वोटरों की संख्या 40,000 है। ओबीसी वर्ग के गुर्जर, कुमावत व गाडरी वोटरों की संख्या 35,000 है, यानी कुल जाट और गुर्जर वोटरों की संख्या 75,000 है। अब आइए बात करते हैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, जहां जाट वोटरों की संख्या 63,000 है। कुल मिलाकर गुर्जर और जाट समुदाय के वोटों की संख्या पर नजरें इनायत करें तो मालूम पड़ता है कि सियासी खेला करने के लिए इनके पास वोटों की संख्या पर्याप्त है। लेकिन कांग्रेस के समक्ष संकट ये है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों में पायलट की नजरअंदाजी पार्टी में खुलेआम की गई, उससे गुर्जर वोटर सूबे की गहलोत सरकार से नाराज चल रहे हैं। वहीं जाट समुदाय की बात करें तो जाट समाज की अनबन भी सूबे की गहलोत सरकार से छिपी नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के समक्ष बड़ी चुनौती होगी जाट और गुर्जर वोटरों को साधना। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या पायलट का मान मनवल कर इनको साधा जाता है या फिर मुख्यमंत्री गहलोत अलग ही दांव पेच अजमा कर वोटरों को कांग्रेस की ओर खींचते हैं। ये बात देखने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए, आपने हमारी खास रिपोर्ट की, जहां तीन जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पे गुर्जर और जो जाट समुदाय है इनका बेहद अहम किरदार है। ये कहा जा सकता है कि दो सीटों में तो इनकी ऐसी निर्णायक भूमिका है कि ये जीत और हार तय करेंगे, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों की जो निगाहें हैं वो जाट और गुर्जर समुदाय पर टिकी हुई है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी जाट समुदाय से आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी जाट समुदाय से आते हैं, लेकिन गुर्जर वोट बैंक का क्या होगा इस पर राजनीतिक दल पूरा फोकस लगाए बैठे। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।